back with another lesson. And in this lesson, we are going to learn phrasal verbs. क्या होती हैं phrasal verbs? Verbs के बारे में तो आपको पता ही है. तो जब verb के साथ में, जब verb के साथ में, किसी verb के साथ में कोई preposition add कर दी जाती है, जब verb के साथ में कोई preposition add कर दी जाती है, that is called phrasal verb. उससे हमारी क्या बनती है? Phrasal verb. अब इन phrasal verbs को आपको sentences में use करना आना चाहिए. तो चलिए समझते हैं. तो सबसे पहले तो हम एक वर्ब ले लेते हैं. तो वर्ब क्या है हमारी? सबसे पहले हैंग. अब हैंग मीन्स क्या होता है? हैंग मीन्स होता है लटकाना. लेकिन जब हैंग में एक प्रपोजिशन हमने ऐड कर दी, दैट इज आउट, तो अब ये क्या हो गई? हैंग आउट. और हैंग आउट मीन्स लटकाना नहीं होता है. हैंग आउट का जो मीनिंग होता है ना, वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है. हैंग आउट मीन्स होता है घूमना, घूमना. तो चलिए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं. एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है, Why don't you hang out with your friends? Why don't you hang out with your friends? इसका मतलब है कि आप अपने दोस्तों के साथ में hang out क्यों नहीं करते हो? Hang out means आप अपने दोस्तों के साथ में क्यों नहीं घूमते हो? Next जो हमारा example है, I think आपको ये hang out समझ में आ गया होगा. Hang out means क्या होता है? घूमना. Why don't you hang out with your friends? Next हमारा example है, Will you hang out with me? Will you hang out with me? इसका मतलब क्या होता है? Will you hang out with me? मतलब क्या आप मेरे साथ में हैंग आउट करोगे? क्या मैं आप मेरे साथ में घूमोगे? जो हमारा थर्ड एग्जांपल है हैंग आउट से ही, वो है सी वाज हैंगिंग आउट विद समवन एल्स. सी वाज हैंगिंग आउट विद समवन एल्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वह किसी और के साथ में घूम रही थी. इसका मतलब क्या होता है? वह किसी और के साथ में घूम रही थी. जो हमारी नेक्स्ट प्रेजेंट वर्ब है वो है पुट ऑन. वो क्या है? पुट ऑन. अब पुट ऑन मीन्स क्या होता है? देखिए पुट हमारी एक वर्ब है, लेकिन हमने इसमें प्रपोजिशन ऐड कर दी ऑन, तो दैट इज हो गई, वो क्या हो गई हमारी? पुट ऑन. तो इससे ये मतलब ये क्या है हमारी? एक फ्रेजल वर्ब है. अब पुट ऑन मीन्स क्या होता है? पुट ऑन मीन्स होता है पहनना. कुछ भी आप पहनते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप स्वेटर पहनते हो, जैकेट पहनते हो, या फिर शूज पहनते हो, घड़ी पहनते हो, कुछ भी जो आप पहनते हो, दैट इज मतलब ये किस, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम उसके लिए हम यूज करेंगे पुट ऑन. तो इससे चलिए कुछ एग्जांपल समझते हैं. जैसे कि जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है पुट ऑन से, वो है हमारा पुट ऑन योर शूज. इसका मतलब क्या होता है? पुट ऑन योर शूज मतलब मींस होता है कि आप अपने जूते पहन लीजिए. नेक्स्ट है इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड. नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा क्या है? वो है इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड, पुट ऑन योर स्वेटर. फ्रीजिंग मींस क्या होता है? फ्रीजिंग मींस होता है बहुत ज्यादा ठंड होना. फ्रीजिंग मींस क्या होता है? बहुत ज्यादा ठंड होना. तो इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड मतलब बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, प्लीज पुट ऑन योर स्वेटर. मतलब आप अपनी स्वेटर पहन लीजिए. मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, आप अपनी स्वेटर पहन लीजिए. इसलिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ? पुट ऑन. प्लीज पुट ऑन योर स्वेटर. आपको आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल पुट ऑन से वो ही है, प्लीज पुट ऑन योर वॉच. प्लीज पुट ऑन योर वॉच, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी जो घड़ी है ना उसको पहन लीजिए. जो हमारी थर्ड फ्रेजल वर्ब है वो है इसके अपोजिट. पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, एंड टेक ऑफ. टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना. टेक ऑफ मीन्स क्या होता है? उतारना. तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि टेक ऑफ योर शूज, मतलब अपने जूते उतार दिए. टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड द रूम, मतलब आप अपने जो जूते हैं वो रूम से बाहर उतार दीजिए. जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेक ऑफ से, वो है टेक ऑफ योर वॉच. टेक ऑफ योर वॉच मतलब अपनी वॉच जो है ना उसको उतार दीजिए. और मैं क्या बोल सकता हूँ? और जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, डोंट टेक ऑफ योर जैकेट. डोंट टेक ऑफ योर जैकेट, इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड. मतलब कि आप जो है ना अपनी जैकेट को मत उतारिए क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है. आई थिंक आपको ये आप समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे. जो हमारी फोर्थ फ्रेजल वर्ब है वो है रन अवे. रन अवे. अब रन अवे मीन्स क्या होता है? रन अवे मीन्स होता है दूर भागना. रन अवे मीन्स क्या होता है? दूर भागना या भाग जाना. जो रन अवे से हमारा एग्जाम्पल है वो है सी रेन अवे विद अ मैन. सी रेन अवे विद अ मैन कॉल्ड जॉन. मतलब वो एक सी रेन अवे विद अ मैन, मतलब वो जो है भाग गई विद अ मैन, एक लड़के के साथ में जिसका नाम क्या था? कॉल्ड जॉन. जिसका नाम था जॉन. सी रेन अवे विद अ मैन कॉल्ड जॉन. जो हमारा थर्ड सेकेंड एग्जाम्पल है रेन अवे से वो है डोंट रन अवे विद योर प्रॉब्लम्स. डोंट रन अवे विद योर प्रॉब्लम्स. तो इसका मतलब क्या होता है? डोंट रन अवे विद योर प्रॉब्लम्स, मतलब अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनसे दूर मत भागो. डोंट रन अवे विद योर प्रॉब्लम्स, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स से दूर मत भागो. आपको भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जब आप इसको सेंटेंसेस में और भी ज्यादा यूज करोगे ना, तो बिल्कुल ये आपको समझ में आएगा. और अगर आपको इसका PDF चाहिए, मतलब इससे और भी ज्यादा एग्जाम्पल्स चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो. मैं आपको इसका जो चार्ट है, पूरा का पूरा चार्ट है, वो आपको मैं WhatsApp के थ्रू सेंड कर दूंगा.
नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है दैट इज स्टे अवे, स्टे अवे। अब स्टे अवे मीन्स क्या होता है? स्टे अवे मीन्स होता है दूर रहना। स्टे अवे मीन्स क्या होता है? दूर रहना। तो चलिए स्टे अवे को हम जो है एग्जाम्पल्स में यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टे अवे फ्रॉम मी बिकॉज यू लाइक टू मी, मतलब आप बोल रहे हो कि स्टे अवे फ्रॉम मी बिकॉज यू लाइक टू मी, आप मुझसे दूर रहिए क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला है। स्टे अवे फ्रॉम मी बिकॉज यू लाइक टू मी, क्योंकि आपने मुझे झूठ बोला है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है स्टे अवे फ्रॉम द पीपल हु वॉन्ट टू पुट यू डाउन, हु वॉन्ट टू पुट यू डाउन। स्टे अवे फ्रॉम द पीपल हु वॉन्ट टू पुट यू डाउन। अब पुट यू डाउन ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। पुट यू डाउन मतलब होता है किसी की मतलब बेइज्जती करना, मतलब स्टे अवे फ्रॉम द पीपल इसका मतलब है कि आप उन लोगों से दूर रहिए हु वॉन्ट्स टू पुट यू डाउन, जो आपको जो आपकी बेइज्जती करना चाहते हैं, जो आपकी इंसल्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब ये होगा। जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है स्टे अवे से वो है स्टे अवे फ्रॉम द फायर। स्टे अवे फ्रॉम द फायर मतलब आग से आप दूर रहिए। आई थिंक अभी आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है टॉक बैक। टॉक बैक, टॉक बैक मीन्स होता है जबान चलाना। टॉक बैक मीन्स क्या होता है? जबान चलाना। तो आप कैसे बोलोगे? मान लीजिए आपके साथ सामने एक सेंटेंस है कि यार मेरे से जबान मत चलाओ, आप मुझसे जबान मत चलाइए, तो आप क्या बोलोगे? डोंट टॉक बैक टू मी। क्या होगा इसका इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा? डोंट टॉक बैक टू मी, डोंट टॉक बैक टू मी। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है टॉक बैक से वो है वी शुड नॉट टॉक बैक टू आवर एल्डर्स, वी शुड नॉट टॉक बैक टू आवर एल्डर्स। इसका मतलब होता है कि हमें जो है हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनसे हमें टॉक बैक नहीं करना चाहिए। टॉक बैक मतलब जवान नहीं चलाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है ही नेवर टॉक्स बैक, मतलब वो कभी भी जो है जवान नहीं चलाता है। नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है लुक फॉर। क्या है? लुक फॉर। लुक फॉर मीन्स क्या होता है? लुक फॉर मीन्स होता है ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं, वट आर यू लुकिंग फॉर, वट आर यू लुकिंग फॉर, मतलब आप कुछ देख रहे हो तो मैं आपसे पूछता हूँ वट आर यू लुकिंग फॉर, क्या कुछ ढूंढ रहे हो आप, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ वट आर यू लुकिंग फॉर कि आप क्या ढूंढ रहे हो। वट आर यू लुकिंग फॉर मतलब आप क्या ढूंढ रहे हो। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, तो वो क्या बोल रहा है? आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, यार मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब मतलब मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है लुक फॉर से ही वो है सी इज लुकिंग फॉर अ वॉच, सी इज लुकिंग फॉर अ वॉच, मतलब वो एक घड़ी ढूंढ रही है, एक अच्छी सी घड़ी ढूंढ रही है। सी इज लुकिंग फॉर अ वॉच, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है गिव अप, आई थिंक ये तो आपने सुना होगा। वी शुड नॉट गिव अप, यार हमें हार नहीं मानना चाहिए। वी शुड नॉट गिव अप मतलब हमें हार नहीं मानना चाहिए। गिव अप मीन्स क्या होता है? हार मानना। तो वी शुड नॉट गिव अप, हमें हार नहीं मानना चाहिए। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? आई डोंट गिव अप ईजिली, मतलब मैं इजिली हार नहीं मानता हूँ, आसानी से हार नहीं मानता हूँ। आई डोंट गिव अप ईजिली, मैं आसानी से हार नहीं मानता हूँ। नेक्स्ट क्या है? वाई डिड यू गिव अप, वाई डिड यू गिव अप। फॉर एग्जाम्पल आप यार जिम कर रहे थे लेकिन आप सोच रहे थे कि यार मैं ऐसी बॉडी बनाऊंगा, ना मैं ये करूंगा, ना मैं वो करूंगा, लेकिन आपने क्या किया? आप दो चार महीने का, और उसके बाद में आपने जिम जाना छोड़ दिया, मतलब आपने क्या कर दी? आपने हार मान ली। तो मैं आपसे बोला व्हाई डिड यू गिव अप, यार कि आपने हार क्यों मान ली? व्हाई डिड यू गिव अप। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है टेक साइड। टेक साइड, टेक साइड मींस होता है पक्ष लेना, किसी का पक्ष लेना। तो एग्जांपल्स क्या है इसका? आई ऑलवेज टेक योर साइड मतलब मैं हमेशा आपका पक्ष लेता हूं। आई ऑलवेज टेक योर साइड मतलब मैं हमेशा आपका पक्ष लेता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू नेवर टेक माई साइड मतलब आप मेरी कभी साइड ही नहीं लेते यार, आप कभी मेरा पक्ष ही नहीं लेते हो। जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है व्हाई डोंट यू टेक हिज साइड कि आप उसका पक्ष क्यों नहीं लेते हो। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो है हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब वो है हमारी पास अवे। पास अवे मीन्स होता है जब कोई शांत हो जाता है ना, तो हम बोलते हैं पास अवे, कोई पास हो गया, मतलब इसको हम फ्रेजल वर्ब में भी यूज करते हैं, जो कि है पास अवे। पास अवे मतलब होता है निधन हो जाना। तो फॉर एग्जांपल माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज ओनली 6 मंथ। हमें इसमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है? सेकंड फॉर्म यूज करनी है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट। सो माय फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज 6 मंथ जब मैं 6 महीने का था तब मेरे दादाजी का निधन हो गया था। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है
Someone passed away in his family. Someone passed away in his family. मतलब उनकी फैमिली में कोई किसी का निधन हो गया है. उनकी फैमिली में किसी का निधन हो गया है. जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है who passed away there. Who passed away, for example, कि यार वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं. तो मैंने किसी से पूछा कि यार who passed away there, कि वहाँ पे कौन किसका निधन हो गया है, किसका वहाँ पे निधन हो गया है. तो इस तरह से आप पास अवे का भी जो है अपनी आप यूज कर सकते हो. एंड हाँ, आज के लिए बस इतना ही. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया, किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हो. दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर, यू कैन व्हाट्सअप मी. एंड अगर आपको और भी अच्छे से समझना है तो मैं आपको एक PDF सेंड करूँगा थ्रू व्हाट्सअप. तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको वो PDF चाहिए तो. एंड और हाँ, अभी आपको होमवर्क मिल ही रहा है, तो आपको भी ये होमवर्क करना है. बाय.